वॉइस ऑफ गुलबर्गा में आप सभी का इस्तकबाल है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, आज तहसील ऑफिस में प्रोटेस्ट करते हुए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डी मुर्मू जी को आलंद तहसीलदार के जरिए मेमोरेंडम पेश किया गया। अभी हाल ही में महाराष्ट्र में एक रामगिरी महाराज नामी शख्स ने हुजूर की शान में गुस्ताखी करके करोड़ों मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाई है। याद रहे, मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपनी नबी की शान में थोड़ी सी भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस एहतजाज में मौजूद चांद पाशा जमादार, सैफन पाटिल, करबरी अंसारी, फैजुद्दीन अंसारी, यूनुस अंसारी, मौलाना मुस्ताक, हाफिज यूनुस अली, हाफिज रब्बानी और भी लोग शामिल थे। आइए देखते हैं इस खसूस में चंद मनाजिर हमारी ये खास रिपोर्ट में। ऐसे ही अहम और खास खबरों के लिए वॉइस ऑफ गुलबर्गा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी जरूर करें। हम यहाँ के प्रशासन के हवाले से और तहसीलदार साहब के हवाले से ये पैगाम देना चाहते हैं कि इस तरह का माहौल हिंदुस्तान की, हमारे इस मुल्क अजीज की जमहूरियत के लिए नुकसानदेह है। अगर इन मुफसिद अनासिर पर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी, रोकथाम अगर इन मुफसिद अनासिर का नहीं किया जाएगा, तो मुल्क का माहौल ख़राब होने का अंदेशा बाकी रहता है। तो एक बेहतरीन हुकूमत उस वक्त कायम हो सकती है जब एक दूसरे के मजहब का अदब व एहतराम कायम रखा जाए। जब तक हम अपने प्यारे कानून और संविधान को लेकर के चलते हैं, तो हम एक नए हिंदुस्तान की तामीर करते हैं। अगर हमने ऐसा नहीं किया और हमने अपने हाथों से इस कानून को तोड़ा, जैसा कि महाराष्ट्र की सरजमीन पर ये स्वामी जी की तरफ से जो सामने आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखियाँ और जिस तरह की जो है उन्होंने टिप्पणी, जिस तरह के नज़रिया सामने रखे हैं, वो इस हवाले से जानते नहीं हैं तो उन्हें कहना नहीं चाहिए, बल्कि हमें खुद अपने हर एक को अपने गिरेबान में जा कर के देखना चाहिए कि वो किस मंजिल पर खड़े हैं और कहाँ खड़े हैं। तो अब यहाँ पर हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम अपने मुल्क की सालिमियत के लिए, इस कानून को बचाने के लिए हम आवाज़ उठाएंगे और अपनी आवाज़ को अपने प्रशासन के ज़रिए हम सदर जमहूरिया में पहुँचाएँगे। इसी बात को हम यहाँ मुंतरिज करने के लिए, दर्ज करने के लिए हम तमाम जो है इस मुल्क के, इस शहर के जो निवासी हैं, इस मुल्क के रहने वाले हैं, ये पहुँचाना चाहते हैं और कानून के दायरे में रहकर, अखलाक के दायरे में रहकर अपनी बात हम बताना चाहते हैं। इस्लाम सबसे पहले अखलाक का दर्स देता है और अपने मानने वालों को पीसफुल रहने का दर्स देता है और हर एक का अदब व एहतराम करने का दर्स देता है। किसी पर, किसी के साथ जो है लान तान करने का या किसी को जो है किसी पर उंगली उठाने का दर्स नहीं देता है। ये तमाम बातें थी जो हमें जो प्रशासन के सामने रखनी है। लिहाजा हमारी ये गुजारिश है कि ये जो चीज़ें हमारी तमाम मांगे हैं ये ऊपर तक पहुँचाएँ। सबसे बिलखसूस हम तमाम नौजवानों की बशमूल चांद पाशा साहब और जितने यह नौजवान यहाँ पर शामिल हैं, जद्दोजहद रही है, इस हवाले से भी हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि काफ़ी जद्दोजहद के बाद ये बच्ची हमारे सामने आई है। हम ये इतना करते हैं कि इस कानून को जो है ऊपर तक पहुँचाने की कोशिश ಮನವಿಯರ್ಜಿ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ಕಾರದ ಕೈ ಕಳಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಟು ದಿ ಆನರೇಬಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನ್ ಥ್ರೂ ಟು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅಳನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಟು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ರಾಮಗಿರಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ವೆನಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾ. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೇಡಮ್, ಆ್ಯಸ್ ಯುವರ್ ಗುಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇನ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಅನ್ವಾರಂಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ನೇಮ್ ರಾಮಗಿರಿ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಸಲ್ಟೆಡ್ ದಿ ಆನರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಹೋಲಿ ಪ್ರಾಫೆಟ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ. ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಸ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಸ್ ಬೈ ದಿ ಅವರ್ ಆ್ಯಸ್ ದಿ ಆಂಗರ್ ಈಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಫೈರ್ ಇನ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟೇಟ್.
we are here by call upon you to kindly fulfill the demands on behalf of the community with the immediate effect to douse the fire from spreading the ahead. First demand is our, first of all, you are requested to remove this video from social media immediately. Legal action should be taken from making and uploading this video and making it viral. Ramgir should be arrested immediately under stringent law. If this does not happen, then the anger Muslim is natural. There may be more people of this type who will try to spoil the environment of our country. Hence, strict action should be taken on this today and such people should be banned immediately. We hope you shall understand the gravity of situation and act immediately to defuse this scenario. Okay.